हाय कैसे हैं? मैं ठीक। सो अलोक कुमार जी, यस बहुत एक्साइटेड है यार। फिल्म फेयर से बहुत पुराना एसोसिएशन है और बचपन से फिल्म फेयर पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बड़े फैन हैं। एंड एवरी टाइम इट्स लॉट ऑफ फन व्हेनेवर वी अटेंड एनी फिल्म फेयर इवेंट। एंड दिस इज ऑफ कोर्स वी सेलिब्रेटिंग ग्लैमर एंड फैशन एंड स्टाइल। For me, it's about showing what you are, showing your own self, and without putting on, you know, too much effort on that. And I do nothing here. My stylist, they take care of it. So whatever they feel suits my personality, I just wear that. It's my wonderful stylist, Anisha. I think the whole credit goes to her. She has chosen this outfit for me. आई थिंक हार्शेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल जो भी है हमारे लॉ में, सिर्फ वो ही वो लोग डिजर्व करते हैं, उसके नीचे कुछ भी नहीं। आई थिंक डेथ पेनल्टी इज द ओनली पेनल्टी आई, बिकॉज वी फील वेरी एंग्री अबाउट इट। एंड आई हैव शेयर्ड माई फीलिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल। आई थिंक इट्स डेविस्टेटिंग व्हाट हैपेंड विद प्रियंका रेड्डी एंड सो मेनी गर्ल्स लाइक हर। आई थिंक इट्स हाई टाइम हमको कुछ करना चाहिए, एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे लोगों के दिलों में डर पैदा हो ऐसी किसी भी थॉट के आने से पहले भी। हम लोग राइट नाउ वी आर शूटिंग इन दिल्ली द वाइट टाइगर। मैं और प्रियंका, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे डायरेक्टर, पूरी टीम बहुत अच्छी है। रमीन बहरानी जो हमारे निर्देशक हैं, इज फिनोमिनल। एंड बोथ आदर्श एंड प्रियंका, देर वंडरफुल को एक्टर्स। एंड प्रियंका इज अ डियर फ्रेंड नाउ, आई थिंक शी इज़ वेरी चिल्ड आउट। जो उनका देसी गर्ल का जो टैग है वो बहुत सही है उनके लिए। आई थिंक शी इज़ फुल ऑन देसी गर्ल। फिल्म फेयर एक ऐसी जगह है जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और जो भी आई थिंक इस इंडस्ट्री में है उन सबका एक सपना है कि वो फिल्म फेयर ज़रूर अटेंड करें। सो मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ, एंड दिस माई थर्ड टाइम व्हेन आई एम कमिंग फॉर द स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल दैट यू नो आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड आई कैन बी पार्ट ऑफ फिल्म फेयर। आई थिंक स्टाइल स्टेटमेंट आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आप पहनो वो आप कॉन्फिडेंटली पहनो। मेरा स्टाइल स्टेटमेंट वही है कि मैं जो पहनती हूँ वो कॉन्फिडेंटली पहनती हूँ। आई थिंक मैं ये जो आउटफिट है वो रुद्राक्ष का है, और आई थिंक मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दिस कलर रियली मुझे बहुत, मैंने ये कलर पहना नहीं था तो आई थॉट ऑफ वेयरिंग दिस, दैट्स इट।
बागी थ्री अब बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है, अभी शूटिंग चल रही है हम लोगों की, काफ़ी शूटिंग हो रही है और सर्बिया में शूटिंग हो रही है, सो होपफुली आप लोगों को बहुत जल्दी बागी में मैं दिखूंगी और आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आएगा। आई थिंक टाइगर, श्रद्धा, रितेश, थ्री ऑफ देम वो अमेजिंग, और सबसे ज़्यादा जो अच्छे थे वो थे अहमद सर, मुझे उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए, जिन्होंने जो किया है इनको पूरी तरीके से पब्लिक में छोड़ दिया जाए, फिर अपने आप उसका डिसीजन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, बहुत लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ है और हम सब एक होकर इस चीज़ पर फैसला लें और इन्हें सज़ा दें, क्योंकि आगे ये ना हो और हमारी सबकी कहीं ना कहीं हमारी बेटी होगी, शायद मेरी बेटी होगी फ्यूचर में। मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए हर किसी को और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, इसके लिए हमें एक बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। Excited, very excited to be a part of this event tonight, and also I'm joined by some very good friends, some cool friends, and we're going to be performing, the only performers tonight, so we are
excited and looking to put on a solid performance. Yes. Yeah. I'm always ready. I'm born ready. Ever ready. The champion and his team, always ready. So we're all ready to rock tonight and put on a good performance and look out for our song. हाँ जी आई थिंक इट्स फिल्मफेयर ग्लैम अवार्ड्स एंड आई थिंक ऑल द ग्लैम आई फील इज ऑल विद इन और आपकी पर्सनैलिटी एंड एवरी थिंग इज योर स्टाइल और आई फील एवरीबडी इज ट्रूली ड्रेस्ड टू वट दे फील देयर पर्सनैलिटी इज एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद दिस अमेजिंग टीम एंड विद ब्रावो विद रिमी एंड विद गौरव आज हम परफॉर्म करने वाले हैं सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैब आई थिंक दैट्स माई सेफ जोन जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट बाकी ये सब मुझे बहुत ही नर्वस कर देता है बाकी जब स्टेज पे होते हैं आई एम एट होम आई फील You should feel very comfortable. You should feel very happy in who you are, and you should dress the way you like and not follow anybody. And yeah, सबसे ज़्यादा है कि you should feel comfortable and it should be you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Actually, it's a good thing you're wishing me already because ये साल का मेरे लिए आखिरी अवार्ड है इसके बाद मैं कहीं नहीं देखूंगी तो थैंक यू सो मच फिल्म फेयर इज फैमिली ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स एक ऐसे अवार्ड सेरेमनी है जो सिर्फ ग्लैमर और स्टाइल को नहीं सेलिब्रेट करते बट आई थिंक इंसानियत को सेलिब्रेट करते हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट आई थिंक स्टाइल स्टेटमेंट इंसान का उनका खुद का वजूद होता है जो उनकी बिलीफ सिस्टम्स हैं थॉट्स हैं एक्सपीरियंसेस हैं वो नज़र आते हैं उनके पहनावे में थप्पड़ के लिए रेडी हूँ मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल हमारा लास्ट डे था शूट का तापसी के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया लेकिन उनके अलावा जो जितनी भी औरतें इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं और ऑफ़ कोर्स अनुभव सर जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके मेरा रिएक्शन ऐसे किसी भी घटना का के लिए एक ही होता है वो होता है बहुत बहुत लाचारी महसूस करती हूँ मैं और अंदर से बहुत खौफ महसूस होता है और बहुत दर्द महसूस होता है और उम्मीद यही होती है कि जो जस्टिस सिस्टम है वो क्रिमिनल्स को तुरंत जल्दी से जल्दी दे ब्रिंग देम टू बुक और जो जिनके साथ ये घटना घटी हो उनके लिए जस्टिस प्राप्त हो जल्दी से जल्दी थैंक यू Edit Who Film Fair events are always a lot of fun and I always like being here. This is my second year at the Glam and Style Awards and I always look forward to a lot of style, a lot of fashion, a lot of fun. Yeah, I'm looking forward to going inside. Glamour style, what is stylistic?
मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी मेरा स्टाइल स्टेटमेंट काफ़ी कंफर्टेबल होता है क्योंकि मेरे लिए कंफर्ट ही स्टाइल है, लेकिन मेरी जो स्टाइलिस्ट है श्रीजा राजगोपाल वो कहीं तो छुप रही है पीछे, उसके वजह से शी ट्राइज टू यू नो लाइक मेक मी एक्सपेरिमेंट, बिकॉज आई मीन एज एक्टर्स वी डू हैव टू एक्सपेरिमेंट, वी डू दैट विद आवर कैरेक्टर्स, व्हाई नॉट विद आवर स्टाइल. सो पर्सनली माई चॉइस विल बी कम्फर्टेबल, बट शी थैंक्स टू हर आई ट्राई टू बी फैशनेबल. Thank you so much, thank you. मैं बहुत बहुत ज़्यादा फिल्म फेयर यार हम बचपन से देखते हैं. दिस इज़ अ न्यू सेगमेंट जो अभी शुरू हुआ है 6 साल पहले, इट्स द 6th एडिशन आई थिंक. एंड आजकल स्टाइल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, आई मीन इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ ग्रेट. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है यहाँ पर आने के लिए हमेशा. या लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. मेरा यार मेरा ना एक्चुअली मैं डिस्कवर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो, बिकॉज यूजुअली तो वही होता है कि आप शर्ट पहन लो जीन्स पहन लो, बट आपका एक अपना जो स्टाइल स्टेटमेंट होता है वो मैं फ़िलहाल डिस्कवर कर रहा हूँ. मेरा नज़रिया काफ़ी खुल रहा है सब लोगों के साथ यहाँ पर रहकर. सो या मज़ा आ रहा है इंशाल्लाह. मैं सभी फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि गोल्ड के बाद मेरी अब तक एक भी नहीं आई है, बट वो सभी अभी 2020 में होपफुली आएंगी, विद स्टार्टिंग विद भांगड़ा पाले विल स्टार्ट रिलीजिंग. एंड या कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, वेरी एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बचपन से एक ही तो अवार्ड देखते हैं फिल्म फेयर है, इट्स अबाउट फैशन स्टाइल ग्लैमर, सो इट्स अ डिफरेंट वन ऑल टुगेदर. बट एक मौका मिलता है ड्रेसअप होने का जो मैं बिल्कुल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट दिस डे रिक्वायर्स एंड आई एम हियर. आई बिलीव इन इफ यू आर कैजुअल इन अप्रोच ड्रेस लिल फॉर्मल, सो That's a statement. Thank you. Excited and काफी अच्छा भी लग रहा है आप लोगों से यहाँ बात करके. जी 2020 में एक्चुअली 3 फिल्में आ रही हैं. साल की शुरुआत घोस्ट स्टोरी से होगी 1st of January को, बुलबुल भी आई थिंक March में कभी आए शायद, और तीसरी फिल्म है द गर्ल ऑन अ ट्रेन, उसकी डेट्स भी अनाउंस हो गए हैं, तो 8 May को द गर्ल ऑन अ ट्रेन आ रही है. सो इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर मी, 3 फिल्में आ रही हैं मेरी अगले साल. Well, I'm just happy that the fact that my film didn't do that well, but it reached to people because of the worth that it had. We are just in a period where what your worth and what your value is being acknowledged and appreciated. So I'm sure ki jitne log hain jo bahut talented hain aur hard working hain unhe opportunities milti rahegi. Times are changing and I'm just happy to be part of this time and space where talent is being acknowledged along with everything else. जी सर, स्टाइल स्टेटमेंट बचपन से एक ही रहा है जो कंफर्ट दे सके और सामने वाले आँखों को शोभा दे सके, जो दूसरों को सुहाना लग सके. दैट्स अबाउट इट. आई शुड बी रिलैक्स, आई शुड बी कंफर्टेबल एंड पीपल शुड हैव फन लुकिंग एट मी. राइट में
फिल्मफेयर नाइट को? ये क्वेश्चन आप मुझे हर फिल्मफेयर पे पूछते हो, ऐसी कोई मेमोरी, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि फिल्मफेयर के बिना आपका चाइल्डहुड हुआ हो, एंड स्पेशली जो लोग फिल्मी होते हैं, एंड आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग फिल्मफेयर, सो इट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ एनी इवेंट दैट फिल्मफेयर हैज़, वेदर इट्स स्टाइल अवार्ड्स, वेदर इट्स द मेन अवार्ड्स. फिल्मफेयर और बॉलीवुड आई थिंक गो हैंड इन हैंड. थैंक यू. मेरा स्टाइल स्टेटमेंट इज़ ऑल अबाउट बींग कम्फर्टेबल, एंड मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं कम्फर्टेबल हूँ. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज आई कैन ओन इट, इट विल लुक नाइस. दिस इज एन इंटरनेशनल डिज़ाइनर, इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, मैं नाम भूल गई. सो दिस इज बट इट्स एन इटालियन डिज़ाइनर, एंड इट्स आई थिंक जस्ट फ्लोई एंड प्रिटी. The film's been declared a hit and I'm very happy. See, we knew always that it was for a certain section of audiences, and that section has really lapped up the film, so we're very happy. I think it's almost touching 50 crores, and the film wasn't made in too much of a budget, so we're good. I'm pretty happy. You know, it's really sad ki it every time an incident like this happens, we talk for about a few days, a few weeks, there's a lot of rage, there's a lot of anger in the country, and then after a few weeks we forget it all, and until it happens again. So I think there needs to be a very strong law, there needs to be punishment. Hamare laws to hain, but there needs to be stricter punishment, and I honestly feel one severe lesson will create fear in the minds of other people who will not even think of doing something like this. I think that's what we need to do. Bahut hi dukh ki baat hai that our country has come to such a level where ladkiyon ko bahar jana has become a debate, kya kapde pehen rahe has become a debate, and why is it that we cannot talk about why men cannot see them respectfully. So I think ek tarike se humko पब्लिक पनिशमेंट या एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना पड़ेगा, एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद किसी का दिल भी ना करे ऐसा सोचने का भी. गुस्सा आता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं पढ़े हैं और काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, सो इट्स फीलिंग रियली नाइस, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर माय सेकंड फिल्म, सो होपफुली वो भी पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पीपल आर गोना वेयर अमेजिंग क्लोथ्स, एंड आई कांट वेट टू सी हाउ यू नो चार्मिंग एवरीवन लुक्स टुनाइट. मैं नहीं, आई जस्ट कम हियर टू अटेंड. I think for me, style statement is to be comfortable in your own skin, और जो भी आप कपड़े पहने, you know, आपको अंदर से अच्छा feel होना चाहिए. That's what style is for me. Okay.
हर किसी की जुबान पे अभी वास्ते के बाद अभी देयर इज वन इन जनवरी. आई जस्ट होप फिंगर्स क्रॉस मेरी हैट्रिक हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फीलिंग बहुत अच्छी होती है और जब फिल्म बहुत लोगों को पसंद आती है, किरदार आई थिंक पहली बार सबने एक नए किरदार में देखा एंड द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन आई गॉट, आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अमर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड माय एंटायर टीम. सो इट फील्स ग्रेट. थैंक यू. मैं हर चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ एक्चुअली. इट्स नाइस टू बी हियर. इट्स समथिंग टू सेलिब्रेट पैशन, हैव फन एंड या टू हैव अ ग्रेट इवनिंग. I like anything which is classy, which is elegant, and yeah, that's the vibe I like. There's nothing called luck. This is this. I think a lot of things go behind it. But yeah, if you want to call it, then yeah, I think it's our. This is the second time that our on-screen pairing has worked, and the best part was. Bala and Pari were really different from Vicky and Ashima, our first film together. So I'm happy that it worked and yeah, thank you. जी. बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा. अभी 2019 मुझे थोड़ा सेलिब्रेट करने दीजिए. डन. ओके. थैंक यू. क्या अगेन? Hi. This is my first time at Filmfare Glamour and Style, so I'm looking forward for the event. I think Sonam Kapoor, yeah, for sure. King Khan, SRK, for sure. Like, he's so effortless. Like, he doesn't have to do much no matter what he wears. He's so charming. I think it's the personality that no matter what he wears, it shines through. But at the same time, he's very chic. So that's the best part about it. Thank you. Bites. इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी. बहुत एक्साइटेड हूँ. फिल्म पे मेरा पहला इवेंट था जो मैं गया था, तो हमेशा जाता हूँ और बहुत स्पेशल है मेरे लिए. एक दिन एक जीतना है तो जी. एक फिल्म मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में ही अनाउंस हो जाएगी, तो फिलहाल तो बात नहीं कर सकते उसके बारे में, लेकिन हाँ एक आ रही है अच्छी वाली. जिसको मैं एडमायर करता हूँ स्टाइल, रणवीर सिंह यार डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी उसकी तरह हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, तो मुझे वो बहुत पसंद है. हाँ देखो ये देखो क्या है, किसी के समझ नहीं आता, बट हाँ तो रणवीर सिंह मिलेंगे जी. थैंक यू वेरी मच. काफी एक्साइटेड हूँ. It's all for glamour and style, and I'm sure the best of the best will be. Looking forward to have some fun. My favorite stylist. Well, right now work. Can't hear, no.
हाँ हाँ मैं आई हूँ बीडी आप हाँ भाई नहीं नहीं कर लो ना वो फोटो ले लीजिए बहुत एक्साइटेड है और हाँ। पूरे साल इसी के लिए वेट करते हैं हम लोग कि ये कब बुलाएंगे हमें और हमें अवार्ड कब देंगे प्रोत्साहित करेंगे हमें अपने खुद के स्टाइल भी है पर हमारे पास स्टाइलिस्ट भी है जो अभी यहां जो बहुत काम करते हैं आई थिंक आलिया की स्टाइल बहुत अच्छी है बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं 8 साल के 9 साल के दे लव योर स्टाइल और जो बर्थडेज होते हैं वो लोग नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो बर्थडेज होते हैं जिस तरीके जो फैंसी ड्रेस जब बचपन में लाइक बच्चे फ्रॉक वॉक पहन के जाते हैं सो वो सिंपल स्टाइल खुलासा हाँ बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं बच्चों से प्रेम मैं भी खुद बच्ची हूँ इसलिए हाँ ठीक है योर फेवरेट एक्टर लाइक मोस्ट स्टाइलिश एक्टर मोस्ट ग्लैमरस एक्टर हु डू यू फील आई थिंक मिस्टर बच्चन इज सुपर स्टाइलिश और मुझे विजय देवकोंडा का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है वेरी कूल और हाँ वरुण भी बहुत अनयूजुअल तरीके से स्टाइल करते हैं जब भी वो किसी फिल्म का पब्लिसिटी नहीं जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली है तो वो उस फिल्म के किरदार में ड्रेस करने लगते हैं एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज सी अ डिफरेंट वरुण ही इज ऑलवेज प्लेइंग अ डिफरेंट स्टाइल नो डोंट यू एग्री मुझे हाँ जी क्या ऐसे हाँ लाइव कमेंट्स लाइव बैड वर्ड्स भी मिलते हैं आलिया से मुझे बट बहुत अच्छा लगता है बट आई थिंक मुझे स्टाइलिश कौन लगता है आई थिंक एक्चुअली जेन्यूनली मस्ती नहीं करो आई जेन्यूनली फील कि रणबीर बहुत अच्छी तरह ड्रेस करते हैं कैजुअल लुक्स में हो या इनहेरेंटली स्टाइलिश है आई थिंक उनके जो रणबीर और उनके जो पिताजी है ऋषि जी वो भी हमेशा बहुत स्टाइलिशली ड्रेस करते हैं जो उनके जो स्वेटर्स व्हिच ही वुड वेयर इन हिज सॉन्ग्स इन द सॉन्ग्स वो मुझे बहुत कूल लगता है हाँ जी इट्स कमिंग अप रियली वेल आई एम स्टिल शूटिंग फॉर दैट स्ट्रीट डांसर इज गोइंग टू रिलीज आई थिंक ऑन द 24th ऑफ जैन आलिया इज इन अ थिएटर नियर यू आलिया इज ब्रह्मास्त्र नेक्स्ट आई हैव ब्रह्मास्त्र और मैंने स्ट्रीट डांसर का ट्रेलर देखा है बहुत ही बढ़िया है Because it's a very different kind of film, so good things take time. Thank you. Thank you guys, thank you. Thank you. Hello. चल रहा है और मिर्जापुर भी आ रहा है कब आ रहा है वेरी एक्साइटेड इनसाइड एज सीजन 2 इज रिलीजिंग ऑन द 6th ऑफ डिसम्बर ऑन Amazon Prime Video
आई थिंक अगर आप काम अच्छा करते हो तो देयर इज ऑलवेज एक्साइटमेंट ऑफ व्हेन इट कम्स आउट सो या थैंक यू अभी गोइंग सो वी आर जस्ट गोना लाफ थ्रू दिस एंड यू नो वन सेकंड वेल फिल्मफेयर आई थिंक इज अ वेरी प्रेस्टिजियस नाइट फॉर द बिजनेस एंड आई थिंक एवरीबॉडी कम्स एंड पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड आल्सो इट्स बहुत मजा आता है बिकॉज़ यू गेट टू मीट फ्रेंड्स सो एनीवे आप हैंग आउट करते हो बट टू प्रोफेशनली डू समथिंग लाइक दिस इट्स ऑलवेज फन वेरी एंजॉयबल नाइट I am wearing a Kiran Gupta label and this is Papa Don't Preach by Shubhika. मैं अपनी शादी पे भी इन्हीं का डिजाइन पहना था. Thank you. हाँ जी. It's the second time I'm hosting the Filmfare Glamour and Style Awards. बहुत excited हूँ. It's an incredible turnout tonight. बहुत अच्छे अच्छे winners आ रहे हैं. बहुत अच्छा crowd है. बहुत stylish लोग आ रहे हैं. तो I'm of course always honored to do this and very excited. Today I've been styled by the amazing Mohit Rai. I'm in Liz Martin and wanted to be sexy, very pretty, very feminine and definitely stylish. So kuch aisa jo shayad maine pehle kabhi na pehna ho. I hope sab log mujhe bulane ke liye excited hain. Thank you. I think anything that Filmfare does is always exciting. I think whether it's their film awards, whether it's their fashion and style awards, I think being at a Filmfare event is always a lot of fun. Thank you very much. I think that's very sweet. Well, jaise likha hai yahan pe, it is a glamour and style award. So I think thoda zyada glamour or stylish hona chahiye. Stylish actor, I think for me it's Kareena Kapoor. I think she's just lovely and stylish and just so beautiful. Thank you so much. सौदा खरा खरा थैंक यू सुपर्ब आई मीन हाय आई थिंक आई शुड फिनिश गिविंग यू पिक्चर्स खत्म कर हम क्या व्हाट इज द क्वेश्चन
आई थिंक जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस से और जितने व्यूज आ रहे हैं और सब मैसेजेस भेज रहे हैं, इट्स जस्ट सुपर ओवरवेलमिंग एंड वी आर सो एक्साइटेड टू शेयर द फिल्म विद यू ऑन द 27th ऑफ डिसम्बर. Filmfare, I mean, it's the one award show that everybody looks forward to, and tonight hopefully it's a lot of good news, so yeah, excited. इनकी आवाज को मैं सुनाई नहीं दे रही बस. आई थिंक जितनी बेसब्री से सब इंतजार कर रहे उतनी ही एक्साइटमेंट एंड यू नो वी कांट वेट टू शेयर इट विथ यू ऑल, सो एक्साइटेड. या thank you, since it's all about glamour and style tonight, I've always loved playing dress up. Tonight I was styled by Lakshmi Leher and the Pankaj and Nidhi gown, so I hope it's good. Actor, I think Hrithik Roshan. Kareena Kapoor Khan, for sure. See you, thank you, thank you. So I'm wearing Gavin Miguel tonight. I thought I will risk it. I will be a little out of the box. I'm normally very structured and very basic. So today I'm experimenting and having fun with it. Oh, style statement actually is very different from what it is today. I'm very understated. Black is a favorite color of mine, so you see me wearing different shades of black. Tonight is not so understated, but I'm feeling good in it. Thank you very much. काफ़ी अच्छा फील हुआ है क्योंकि ये साल काफ़ी स्पेशल रहा है, क्योंकि शुरुआत आर्टिकल 15 से हुई थी, उसके बाद एक ड्रीम गर्ल आई थी, फिर बाला जो कहीं बीच में थी वो आई थी. सो आई गेस इट्स बीन अ ब्यूटीफुल ईयर क्योंकि तीनों अलग तरह की फिल्में हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन मिली तीनों को, एक वैलिडेशन मिलती है मेरे चॉइसेस के लिए. सो आई एम ग्लैड, आप लोगों का प्यार है बस और क्या. फिल्मफेयर की कोई भी अगर आप एंटिटी होती है उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं, चाहे फिल्मफेयर के मेन अवार्ड्स हों या ग्लैम एंड स्टाइल अवार्ड्स हों, क्योंकि ये 2017 मेरे लिए अच्छा था और 2018 बहुत अच्छा था, अब तक सबसे बेस्ट 2019 रहा है. और मैंने आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने ये जो अपनी एवोल्यूशन ना सिर्फ सिनेमा में देखी है बल्कि स्टाइल में भी देखी है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट लाइक दैट. ये ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मतलब मेरे नाम का कुछ जॉनर लोग बोलेंगे, बट इट्स वेरी फ्लैटरिंग, इट्स ग्रेट कि हेलो. सो हाँ, मैंने सोचा नहीं था ऐसा, बट आई एम ग्लैड पीपल आर सेइंग दैट, इट्स काइंड ऑफ वैलिडेशन अगेन ऑफ द सिनेमा दैट आई एम डूइंग. ये गौरव गुप्ता ने डिज़ाइन किया है और ईशा बंसाली ने स्टाइल किया है, और उसके अलावा मेरा काम था पहनना, अच्छा लग रहा है इसलिए पहन लिया मैंने. थैंक यू सो मच.
also for my friend Jitesh, who's the only reason I'm here tonight. So I'm really looking forward to what's in store and the show. And it's always a fun night because this one is the fun casual night. So looking forward to it. I'm wearing a take on a suit by Alina Anwar. So yeah, I thought it was quite like, it was different. Something, you know, not so conventional. Thank you. दिसंबर की रिलीज है, अब तो आई गई है, एक हफ्ता भी नहीं बचा, सारे होर्डिंग्स लग गए हैं मुंबई में, काफ़ी उत्सुकता है। फर्स्ट सीजन ने बहुत अच्छा किया, आई मीन नॉमिनेशन मिला, सेकेंड सीजन इज राउंड द बेंड, होपफुली वी कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइवलरी है बिटवीन अरविंद वशिष्ठ माई कैरेक्टर एंड वायु राघवन, जरीना मेहता विच इज़ प्लेड बाय रिचा चड्डा, वो प्रोड्यूसर्स ही रिवील करेंगे तो बेटर है, बट बीन 5 days, सो या इट्स गोइंग वेल, थैंक यू। पार्वती बाई फिलहाल फिलहाल ही ब्यूटीफुल लग रहा है, अब आगे भी लगे कहीं। ओके, आई एम वेयरिंग रुद्राक्ष द्विवेदी एंड it's a lime green, I love this color, I always wanted to wear this color, so I'm really happy, and it's more like a doll vibe, like a princessy vibe, so I wanted to pull this off and I really like it. And I'm on the other hand, I love the bling happening and multicolor vibe happening in it, and it's by Yusuf Al Jazmi. That's about it. आई थिंक ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल है एंड आई एम जब मैंने एक्चुअली गाना सुना था, मुझे वो गाना सुन के ही लगा था कि ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है, बिकॉज एक कई बार होता है एक सुन के एक बार में ही लूप पे चल जाए आपके दिमाग में, एंड बट एक्चुअली आई वाज वेरी सरप्राइज विद द 5 मिनट होल स्टोरी दैट दे केम अप विद, आई थॉट दैट वाज ब्यूटीफुल, एंड या आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स डन सो वेल, इट्स आई थिंक इट्स क्रॉस ऑल ऑफ माई सॉन्ग्स ये। अभी देखी नहीं इसने, कल देखी, मैंने नहीं देखी अभी, ट्रेलर के साथ, और ये पहली फिल्म है जो इसने मुझे पहले नहीं दिखाई है अभी तक, मुझे बुरा लग रहा है इस बात का, मैंने नहीं देखी है तो मैं हाँ आपको तो दिखाना पड़ेगा, नहीं मैं गुड लक हूँ इसकी, मैं इसकी फिल्म पहले देखती हूँ हमेशा। वेल इट्स माई फर्स्ट हिस्टोरिकल, सो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड एक्चुअली मैं इसके बाद आज रात को देखने जा रही हूँ, सो मतलब मन में थोड़ी धक धक हो रही है। एक पहली बार ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो एक्चुअली कभी जीवित रह चुका है, तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि आपने अच्छे से किया हो, क्योंकि उस कैरेक्टर की जितनी रिस्पेक्ट रही है, यू नो, वो दर्शाना, और जितना ब्रेव वो कैरेक्टर रहा है वो दर्शाना,
But I've been in the best hands, Ashutosh Gowarikar, and I hope that people like the film. And it's I always say it's a story that must be watched, because ek history ka aisa chapter hai jo shayad hum bhool chuke hain. Aur yahan Maharashtra mein to in fact kuch bhi hota hai to Panipat zala hai na, to wo I felt ki usko dekhne ka nazariya ek alag hona chahiye, kyunki ye ek aisi war thi jiska चाहे रिजल्ट जैसा भी रहा हो, उसका जो करेज था, जो जो उन लोगों पे बीती, वो पता होना चाहिए हम सबको. एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंट्रीग मी वाज कि अहमद शाह अब्दाली जो हैं, वो उन्होंने चार बार पहले इन्वेट किया था, ये पांचवी बार था. वो जीते थे बैटल, लेकिन वो वापस नहीं आए कभी. तो क्यों नहीं आए? सो आई फील कि आई ऑल्सो होप कि बच्चे देखें, यू नो, आई फील हिस्ट्री हमें बुक्स में जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं. मैं भूल गई थी. तो जब आप देखते हो तो आप एक एक्सपीरियंस करते हो, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच इट. एंड लुकु जी, सिंगल के बाद हम और भी ऐसे ढेर सारे सिंगल देखेंगे, फिल्में देखेंगे, और आप हमें बता सकते हो जो भी अच्छा लगेगा मुझे, जो भी मुझे लगेगा कि ये सही है मेरे लिए, वो देखेंगे. सिंपल आंसर. ये गाइड करती है मुझे हर चीज़ में. ये गाइड करती है मुझे हर चीज़ में. कुछ भी डाउट होता है मन में, आई ऑलवेज गो टू हर पूछने के लिए. बट हाँ, एक तरीके से शी इज़ लेटिंग मी टेक माई ओन जर्नी. शी लाइक, पहले खुद सोच जो भी तुझे करना है, फिर मेरी अगर इनपुट चाहिए तो आई गिव. बट दैट्स हाउ इट शुड बी. आई फील लाइक टुडे आई एम प्राउड ऑफ द जर्नी आई हैव हैड, एंड आई रियली फील दैट एवरीवन शुड हैव देयर ओन जर्नी विद देयर ओन माइंड एंड देयर ओन हार्ट. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Start from left. सामने चलो चिंकू जी. काफी दिन बाद पैरो मैच इन दिनों मेरे को चिंटू जी सुनना पसंद आता है. बहुत अच्छा लगता है जब कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं मेरे को सब लोग. और आई थिंक जिस दिन से ट्रेलर आया उस दिन से सब लोग चिंटू त्यागी करके बुला रहे हैं मेरे को, चिंटू जी बुला रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी कि दिमाग में कैरेक्टर बैठ रहा है. बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट इन फैक्ट. एंड और फिल्म फेयर स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड्स बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, जहाँ पे स्टाइल के लिए नवाजा जाता है, आपको अवार्ड किया जाता है. सो आई एम एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. जी है ना, कुछ ऐसा ठंड का मौसम है ना, तो थोड़ा सा वैसा सा फील है. और इतनी ठंड नहीं, मैं थोड़ा, मेरा गला खराब है तो इस चक्कर में मैंने ऐसा पहना है. बट आई थिंक माय स्टाइलिस्ट, दे ऑलवेज डू अ वंडरफुल जॉब विथ मी. एंड काजिम एंड प्रियंका बेसिकली दी वेंजोरिस, दे ऑलवेज स्टाइल मी एंड हमेशा कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी के साथ करते जो भी करते हैं. मैं हॉलीवुड से बता सकता हूँ, रायन गॉस्लिंग. मेरे को उनकी स्टाइल बहुत पसंद है, बहुत ही बेसिक येट स्टाइलिश लगते हैं.
ऋतिक रोशन सर. थैंक यू थैंक यू. बहुत थैंकफुल हूँ कि सबको इतना पसंद आ रहा है. अभी यहाँ पे कोई गा भी रहे थे तो रियली रियली थैंकफुल टू ऑल द मीडिया, टू द ऑडियंस हु आर सपोर्टिंग इट. एंड 85 मिलियंस क्रॉस हो गए, सो प्लीज़ और आगे लेके जाइए. बस मेरी यही दुआ है आप सबसे. So I'm wearing a Turkish designer, Tariq Eid. So yeah, it's Filmfare Style and Glamour Awards. So. वो बाद में बात करेंगे. I'm so excited. It's going to be the beginning of the award season, so it's very nice to be able to see everybody and see what everybody's wearing and seeing how beautiful everyone is. Thank you. It's by Nita Lula, and happy to be wearing her gown, and hopefully I do it justice. Thank you. थैंक यू. Well, I would just like to thank everybody for liking my work, and pyar ke liye shukriya, and yeah, it was an amazing experience. Sorry? Well, I'm super excited. क्योंकि गाना जो है मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थिएटर में देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा बड़े पर्दे पे. तो आप लोग प्लीज़ जाइए 20th दिसंबर को दबंग 3 देखिए एंड एंजॉय. आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर रेड कार्पेट्स बिकॉज मुझे मौका मिलता है टू ड्रेस अप. फिल्मफेयर के हर इवेंट को लेके बहुत एक्साइटेड होती हूँ मैं. बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट रिलेशनशिप ऑफ माइंड विथ बॉलीवुड इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग इज फिल्मफेयर. तो मेरे लिए मेरे वो बेस्ट अवार्ड्स हैं, एंड टू बी हियर फॉर स्टाइल एंड ग्लैमर इज इवन बेटर बिकॉज आई लव स्टाइल एंड आई एम ग्लैमरस आई होप. सो इट्स अ परफेक्ट फिट. दिस इज अ डिज़ाइनर कॉल री माकरा, शी इज़ एन इंटरनेशनल डिज़ाइनर, एंड चांदनी हैज स्टाइल मी, सो आई एम रियली हैप्पी. I was just very, very, very much filled with a lot of joy and happiness. Actually, warmth, because जब अपना काम आप एक leap of faith से लेते हैं और जब audiences को इतना मज़ा आता है and they love it back and it just feels that चलो सही decision लिया और सही सोच रहे हैं and एक connect है audience का जो मुझे समझ में आ रहा है कि उनको क्या पसंद है.
and I feel like I'm sort of on the right track, so that's, it's very reassuring and very, very happy. What's next? There is Turam Kha releasing on the 31st of Jan, not very far away. Trailer is coming very soon in December. So excited for that. It's with Rajkumar Rao, Hansal sir directing. So very, very excited with that also. All right, Jao. Okay, see you. Left. हमेशा एक्साइटेड होती हूँ. दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस सेट ऑफ अवार्ड्स और आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवार्ड्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग एंड एक्चुअली सी एवरीबडी हू इज़ डूइंग सच ग्रेट वर्क रिसीविंग देयर पर्सपेक्टिव अवार्ड्स. थैंक यू. Albina Dillo, right? Yeah, it's by Albina Dilla, and the rings are from Gehna. Sanjana has styled it. Rupangi has helped. So, yeah. I think style is very personal. It's an extension of your personality, and to me, I don't know about other people. You can't generalize it. To me, it's something that I like to dress up according to what I'm feeling like that day and where I'm going. So, Audrey Hepburn, Catherine Hepburn, I have a long list, Victoria Beckham, and yeah. Bollywood mein there's so many, I think everybody is very well turned out nowadays because you know we have such great stylists, sabke personal styles itne acche hain. So if I have to absolutely, I was coming in the car and I saw what Alia was wearing, so I thought it was beautiful. And everybody, Alia, Sonam, Deepika, Kangna, everyone, they're all like very nicely dressed. Anushka, I think she dresses up beautifully. जी आपने मेरा ट्विटर देखा होगा तो मेरे पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं है. आई जस्ट से डाई आई हैव सीन द जी कॉन्स्टिट्यूशन तो छोड़िए मुझे ये चीज़ आई हैव नेवर बीन एबल टू रैप दिस अराउंड माई हेड सेइंग जब आप एक यू नो दे ऑल मस्ट बी लिटिल चिल्ड्रन एट सम पॉइंट दे हैव ग्रोन अप एंड उन बच्चों को उन इन्फेंट्स को देख के या उन टीनेजर्स को देख के ये सोचा नहीं होगा किसी ने कि वो बड़े होने के बाद ऐसा कुछ कर सकते. तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी हैवानियत किसी के अब इफ़ यू आस्क मी यू शुड हैंग दैम बट आई इट्स नॉट देयर इन आर लॉ और आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ आई होप दे गेट देयर ड्यू. वो उनको मेकर्स अनाउंस करेंगे उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही. बट येस आई हैव बीन रीडिंग सम गुड स्क्रिप्ट्स आई वुड से एंड लेट्स सी. थैंक यू. कभी आ जाता एंड दिस इज समथिंग दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट. अभी तो जल्दी है बहुत, तो और कुछ करना है. शुरुआत है अभी तो और काफ़ी गाने बनाने हैं, काफ़ी एक्टिंग करना है, तो जस्ट द बिगिनिंग. सॉरी, कंफर्टेबल रहना चाहिए लेकिन ड्रेस फॉर द ओकेजन, डोंट अंडर ड्रेस, यू कैन नेवर बी ओवर ड्रेस्ड. बहुत अच्छा मॉडल, सबको मज़ा आ रहा है बहुत. एवरीवन लुक्स ब्यूटीफुल, इट्स अ नाइस नाइट टू बी आउट. मैं कहूँगा कि बाकी बातें पीने पर. अदा किया था.
Testing, one second. Look left, look center. Left, left, other left here. Thank you. Thank you. इसके साथ सर, 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 सर,